एसपी दापड़े प्लीज फील्ड सजानी है। एम्पायर शकील कोटी मैच शुरू कराना है आपको। पहला ओवर लेकर आते हुए इस वक्त आतिश भामरे सामना करेंगे शिखर दलवी। पहला क्वार्टर फाइनल हम देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2018 का। पहली गेंद बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक और बेहतरीन शुरुआत इस वक्त शिखर दलवी ने अपनी टीम को दी। स्विच स्ट्रोक और 6 रन का इशारा आता हुआ एम्पायर शकील कोटी का बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त शिखर दलवी के बल्ले से। पिछले 4 मैचेस इस सीजन में हुए जिसमें एसपी धनेश से मैचेस हार गई चारों। क्या स्विच हिट खेला था वहां पर पहली गेंद पर। बिल्कुल भावे सर हमने देखा था बाली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी। इस बार इनफील्ड के ऊपर से कवर की दिशा में खेल दिया है बेहतरीन स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ 4 रन। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त शिखर दलवी स्कोर इस वक्त तेजी से आगे बढ़ता हुआ 10 रन। दी थी वहां पर और हाथ खोलने की बैकफुट पे चले गए थे। पंच किया था इनफील्ड के ऊपर से 4 रनों के लिए शिखर दलवी ने। धनेश की बहुत बढ़िया शुरुआत 10 रन बिना किसी विकेट के। तो इस वक्त बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए शिखर दलवी 2 गेंदे पे 10 रन आते हुए। इस बार लो फुल टॉस गेंद देखना है वहां पर आतिश गोड़विंदे मौजूद है। उसी बीच एक रन पूरा किया दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन एक रन से ही सहमत रहना पड़ेगा। 11 रन पर पहुंचता हुआ स्कोर। और अब इस ओवर में पहली बार कुमार सामना करेंगे आतिश बामरे का। युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन और महिंद्रा के कैप्टन आप दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस बॉक्स में आपको आना है। लंबा हिट लेना चाहते थे घूमकर खेलना चाहते थे। बहुत ही अच्छी गेंद रही आतिश भामरे की। तो पहली गेंद अब डाउट होती हुई बाबे सर बेहतरीन गेंद और बेहतरीन वापसी करते हुए इस वक्त आतिश भामरे।
बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ, देखना है वहां पर जीत पाटिल मौजूद थे लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद जाती हुई चार रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ एक बार फिर से, इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 15 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त कुमार अरुण शेखर दलवी, और एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है धनेश कुकसे को। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था एसपी दापोले ने। कुमार एक बार फिर से सामना करेंगे आतिश भामरे का, इस बार हुक कर दिया है, देखना है जीत वहां पर मौजूद है। वन बाउंस में गेंद को फील्ड किया, एक रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट इस वक्त होती हुई। तो इस 2 रन की मदद से 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर इस वक्त 17 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत भावेश्वर कहना होगी शेखर दलवी और कुमार ने दी, और थोड़े से महंगे साबित हुए एसपी के कैप्टन आतिश भामरे। एक ओवर की समाप्ति के बाद बहुत बढ़िया शुरुआत, 17 रन बने बिना कोई विकेट के धनेश कुकसे के। गेंदबाजी में इस वक्त हिमांशु को बुलाया गया है, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज हैं। इस सीजन में हिमांशु ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। तो दूसरा ओवर लेकर आते हैं हिमांशु, बिल्कुल सही कहा भावे सर, एक अच्छे गेंदबाज है, युवा गेंदबाजों में इनका नाम आता है, और सामना करेंगे शेखर दलवी। पहली गेंद बेहतरीन स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की जानिब गेंद आती हुई 4 रन के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त शेखर दलवी। इस चौकी की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर धनेश कुक से। पहली गेंद पर चौकी के साथ स्वागत किया वहां पर हिमांशु का। बार हेलीकॉप्टर देखने आतिश भामरे वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते और थ्रो करते उसी बीच 2 रन पूरे किए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई एक बार फिर से। अंजुमन ट्रॉफी 2018 का हम पहला क्वार्टर फाइनल देख रहे हैं एसपी दापोड़े और धनेश कुकसे के बीच। इस बार अच्छी गेंद रही हिमांशु की, विकेट के ऊपर से जाती हुई गेंद, बैठ कर खेलना चाहते थे, अपने पैरों को फोल्ड कर मिड विकेट को निशाना बनाना चाहते थे, बेहतरीन गेंद। बार बेहतरीन स्ट्रोक, बॉल देख वाइड इस लॉन्ग ऑफ की जाने भी इस बार गेंद जाती हुई। क्या बल्लेबाजी कर रहे भाभी सर शेखर दलवी, 2 अर्धशतक लगाए उन्होंने और ऐसा लग रहा है कि आज वो घर से सेट होकर आए हैं। जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं, जिस तरह से प्लेसमेंट कर रहे हैं,
और एसपी दापोडे चार मुकाबले इस सीजन में खेलिए और चारों मुकाबले हारिए धनेश कुकसे से, ये पांचवा मुकाबला खेल रही है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। इस बार हुक कर दिया है, अब जाकर डीप में फील्ड होती हुई और देखने क्या कुछ हो पाता है। चार रन का इशारा आता हुआ एम्पायर ठाकुर का, इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 31 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी और बहुत ही बढ़िया शुरुआत हम देख रहे बाबे सर, जो भी गेंदबाज आ रहा है उसकी पिटाई करते हुए इस वक्त शेखर दलवी। बिल्कुल लूटमार मचा रखी है यहाँ पर। डेन चैनल और एसएमपी चैनल पे कई इलाकों में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। कल्याण रोड पर बार बहुत ज्यादा सफल हो गए थे। तो कोई रन नहीं आता हुआ इस गेंद पर। दो ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर बनाए धनेश कुकसे ने 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत कहने होंगी बाबे सर दोनों ही बल्लेबाजों ने दिए, शेखर दलवी और कुमार। यस आई थिंक दिस इज द एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टार्ट फ्रॉम धनेश कुक से। एंड ऑफ दिस मैंडेटरी पावर प्ले दे आर 31 विदाउट लॉस। हमारे बीच में अंजुमन के सबसे बड़े खैर ख्वाह शॉप भाई का आगमन हो चुका है, आपका हार्दिक स्वागत। साथ में अनीस भाई भी जुड़ते हुए, आपका भी इस्तकबाल है। नूर है आया साथ मरे और सतहत्तर गया, प्रेम दुरब को क्यों ऐसा बनाया। तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला। तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। शिट एसपी दापोड़े फिर से जानी आपको एसपी दापोड़े। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश। नहीं तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, मद होश तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। चेंज तो दो ओवर की समाप्ति पर 31 रन। कैमरे के पास जो बच्चे बैठे हैं उनको वहां से उठना है, हटना है सबको वहां से। पहली गेंद वहां पर जीत पाटिल की और बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ कुमार के बल्ले से एक रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके। भावे सर हम एक बात यहां पर ये देख रहे हैं दोनों बल्लेबाजों की कि बड़े स्ट्रोक भी खेल रहे हैं और जब गेंदे फील्ड पे जाती है तो अपने कदमों को तेज करके सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे। 33 रन।
इस वक्त अरबाज शेख हमारे कमेंटेटर हमसे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल भावे सर, अभी अभी लंच करके आया, पेट में गया चारा, बोलने लगेंगे हमारा बेचारा। इस बार व्हाइट का इशारा आता हुआ, बहुत ज्यादा भार कर बैठे थे जीत इस गेंद को। इस एक रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 34 रन। बार घूम कर खेलना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया गेंद। चौतीस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर कुमार और शेखर दलवी इस वक्त बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। कुमार एक बार फिर से सामना करेंगे जीत का। इस बार घूम कर खेलना चाहते हैं, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं है, कारपेट के सारे गेंद जाती हुई, और एक बार फिर से देखना है, आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। कुमार की पारी समाप्त होती हुई पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त धनेश कुकसे का। तो कुमार के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज भावेश पवार। बिल्कुल भावे सर उन्हें कहते ड्रॉप सीन के हीरो, और बिल्कुल सही मानो में तो ड्रॉप सीन के हीरो ही है। हमेशा हम देखते हैं कि इंटरवल के बाद ही आते वो। पहली गेंद बैट कर ली, गेंद बाहर जाती हुई बाउंड्री के चार रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक भावेश के बल्ले से आता हुआ, एक रन से ही सहमत रहना पड़े वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। इस एक रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ तीसरे ओवर में एक विकेट के गंवाने के बाद 40 रन। तो एक अच्छी पोजीशन में दिखते हुए धनेश कुक से, क्योंकि तीसरा ओवर चल रहा है भावेश सर, और 40 रन।
बार फुल टॉस गेंद, ये भी बाहर जाती हुई चार रन के लिए। बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी और को सही तरह से नसीहत देते हुए शेखर दलवी चौके की मदद से स्कोर तो तीन ओवर की समाप्ति पर 44 रन। बाबे सर आज जो एसपी की गेंदबाज है उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, तीन ओवर की समाप्ति पर 44 रन एक विकेट गंवाने के बाद, अब बचे हुए तीन ओवर में क्या कुछ होगा ये बताएंगे कमेंट्री की यूनिवर्सिटी सिद्दीक बाबे सर। थैंक यू मजर खान, एंड ऑफ द थर्ड ओवर वेरी गुड टोटल मेड बाय धनेश कुक से 44 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। नेक्स्ट मैच द सेकंड क्वार्टर फाइनल बिटवीन Mahendra and Yutika, one of the big match today. SP Dapode now brought Kiran Patil into the attack. Facing him batsman Bhavesh Pawar, who is on 5, Shekhar Dalvi on 29. Excellent batting from Dhanesh Kukse so far in this inning. Kiran Patil. First ball, fine delivery. Extra pace is there, and Bhavesh Pawar try to play a cross batted stroke, beats him outside the off stump. Lovely ball from Kiran Patil. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी किरण पाटिल इस पूरे टूर्नामेंट में भावेश सर उन्होंने की और इस बार पहली गेंद बेहतरीन गेंद रही थी। किरण टर्न बस्तु भावेश पवार अनदर ट्रबल कुड बी अ Dropped by wicketkeeper, a difficult chance. Yes, off the bat, inside edge of the bat, dropped by Sunil Patil behind the wicket. Lucky stroke to Bhavesh Pawar. He gets one. He moves up to 6 and his score moves up to 45 for the loss of one wicket. बिल्कुल वहाँ पर catch drop होता है wicketkeeper Sunil Patil मौजूद है और Bhavesh Pawar का catch drop किया उन्होंने कि Bhavesh Pawar Bhavesh sir इस तरह के बल्लेबाज अगर उनका आप catch drop करते तो कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ सकता है। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फेसिंग हिम शेखर दलवी हु इज ऑन 29। वेरी गुड रन मेड बाय शेखर, हेल्प ऑफ 5 क्लासिकल बाउंड्री एंड 1-6। किरण बस्तु शेखर ब्यूटीफुल बॉल शेखर ट्राई टू प्ले इम्प्रोवाइज स्ट्रोक वी वेट फॉर पास सिग्नल बैट्समैन टेकन 2 रन्स लेग बाय सिग्नल फ्रॉम अंपायर फाइन डिलीवरी कटिंग बैक टू द बैट्समैन सो 2 मोर टू टोटल नाउ स्कोर मोज अप टू 47 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस वक्त किरण पाटिल और हमने देखा तीनों गेंदे कहीं ना कहीं बल्लेबाज है उसको खेलने के लिए थोड़ी सी कठिनाई ही आई है भाभी सर। किरण पाटिल बॉलिंग इन चैनल दिस टाइम फोर्सिंग ऑफ हिज बैक फुट नॉट गेटिंग टू मच एलिवेशन बिहाइंड हिज स्टॉक इनकम थ्रो कुड बी क्लोज बट रॉन्ग एंड राइट एंड थ्रो एंड फाइनली शेखर दलवी इज आउट फॉर 30। Forty.
48 for the loss of 2 wicket. Well met 30 runs from Shikhar Dalvi. Big end for him. 5 boundaries and 1-6. Tujhe chah Rab se bhi zyada, phir bhi na tujhe pa sake. New batsman, wonder boy of Bhendi, Jayesh Patil, because only few delivery left now, only 8 balls to go. These two are very dangerous pair on the pitch, Bhavish Pawar and Jayesh Patil. Kiran Patil, left arm, round wicket to Jayesh. This time, edging, Jayesh Patil is out for duck. Well taken by behind the wicket by Sunil Patil. Jayesh tried to play a cross-batted stroke, tried to hook around the off stump, thick edge, and well taken by wicket keeper. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भावे सर. 3 ओवर की समाप्ति पर 44 रन बने थे, लेकिन किरण पाटिल जब से रनों पर रोकथाम लगाई उन्होंने, बेहतरीन गेंदबाजी की है. और उन्हीं के ओवर में पहले शिखर दलवी रन आउट हुए. हमारे बीच पहुंच चुके हैं आपका इस्तकबाल है अंजुमन ट्रॉफी 2018 में. सो जस्ट नाउ ज्वाइनिंग विथ अस द फेमस मैन मुमताज अंसारी एंड अंजुमन ट्रॉफी. Kiran Patil, left arm round wicket. Kospasas facing him. Mahendra Mage. Burst to Mage. Hooks as ball. Over backward square leg for a glorious 6. इस वक्त इरफान शेख के वालिद मोहतरम रफीक शेख साहब तशरीफ ला चुके हैं. हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. आपका इस्तकबाल है. तो 4 ओवर की समाप्ति पर 54 रन 54. इसके बाद दूसरे क्वार्टर फाइनल का टॉस होने जा रहा है. दो बड़ी टीमें, सबसे बड़ा मुकाबला टॉस करेंगे सबसे बड़े उभरते कमेंटेटर अरबाज शेख. चार ओवर कुल मिलाकर रन बने 54, विकेट गिरी है 3. मोहतरम रफीक शेख साहब हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है. इरफान शेख के वालिद मोहतरम है. गेंदबाजी के लिए जीत सामना करेंगे भावेश पवार. ओ हो हो मॉर्गन 6 रन, क्या शॉट खेला है. शॉट ऑफ डे किलर मिलर मॉर्गन सभी शॉट में नजर आए. DJ Webb in the mix.
गेंदबाज का दिल नहीं धड़केगा ऐसे शॉट पर, जो शॉट भावेश पवार ने खेला था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये जो भावेश पवार है ना, ये ड्रॉप सीन में आते हैं, अक्सर हीरो बन जाते हैं और कभी कभी जीरो। बिल्कुल भावेश सर ड्रॉप सीन के हीरो है। और मुझे वो फिल्म याद आती है दामनी, जिसमें इंटरवल के बाद सनी देओल आते, वो तारीख पे तारीख करते लेकिन ये सिक्सर पे सिक्सर मारते। क्या बात है। मजहर खान भी आजकल थोड़ा दिमाग आज ज्यादा चल रहा है। राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए जीत, भावेश पवार को स्ट्रोक को चेक किया, गेंद को पुश किया, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे गेंद को उठाया है, दो रन बना लिए, वाइड थ्रो, बैकअप अच्छा किया था। कहीं ना कहीं बिखरती हुई एसपी की फील्डिंग, कुल स्कोर 62 रन पे पहुंचा है। दिनेश कुक से 3 कप को जीती है, 3 को हारी है। बी इंडियन 6 कप जीती है और 3 की रनर्स है। जीत अच्छा, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद हैं, बढ़िया थ्रो पहुंचा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर 63 रनों पे पहुंचा है। 5-5 ओवर के क्वार्टर फाइनल मुकाबले रहेंगे, इस बात का ध्यान रहे अरबाज। आज का सबसे बड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं, युतिका बनाम महिंद्रा स्पोर्ट, पाइनियर बनाम मैगी, बी इंडियन बनाम सोना देवी, सभी सबसे बड़े मुकाबले हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं जीत, सामना करेंगे महेंद्र मागे। मागे ने जोरदार हिट से अपना स्कोरिंग शुरू किया। मागे के अगेन स्ट्रोक को चेक किया, स्ट्राइक को रोटेट किया भावेश पवार को। कितनी गेंदे बची आखिरी ओवर में? 2 गेंदे बची है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 पे पहुंचा है। जीत सामना करेंगे भावेश पवार। ओहो, फिर से स्वीप किया लेकिन हवा में स्ट्रोक है, क्या छूटा हुआ गुडविंद से, और 2 रन पूरे। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, सुपर सोनिक रनिंग बिटवीन द विकेट। 66 पे पहुंचा स्कोर। भावेश पवार ने भी तालुका क्रिकेट के सभी खिलाड़ियों के नाक में दम ऐसा कर रखा है जिस तरह ललिता पवार ने फिल्मों में कर रखा था। स्मर्तबा गेंद को खेल दिया हवा में, जीत गेंद के नीचे और कैच छूटा, 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए जा रहे हैं और डायरेक्ट हिट आउट हुए भावेश पवार, तो कुल मिलाकर रन बने हैं। उनसत्तर रनों की चुनौती रखी है। आइए हम आपको अगले टॉस के तरफ लिए चलते हैं, हमारे सबसे बड़े उभरते कमेंटेटर टॉस बॉक्स में अरबाज शेख। शुक्रिया भावे सर। महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन हमारे दरमियान आ चुके हैं, युतिका के कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा कि टॉस बॉक्स में आ जाए। हम इस वक्त मौजूद है लेट अब्दुल रहमान अंसारी टॉस बॉक्स में। मैं टॉस के लिए आवाज देने जा रहा हूं हमारे मुख्य अतिथि
मुमताज अंसारी साहब को कि वो आए और इस मैच का टॉस करवाएं, और सुहाब भाई से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो टॉस बॉक्स में आए। अंजुमन ट्रॉफी 2018 का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल महिंद्रा स्पोर्ट्स और यूटीका स्पोर्ट्स के दरमियान खेला जा रहा है। हमारे दोनों ही मेहमान मुमताज अंसारी और सुहाब भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये क्वार्टर फाइनल 5-5 ओवरों का होगा। सब टीमें इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी क्वार्टर फाइनल है वो 5-5 ओवरों के होंगे। मैं मुमताज भाई से गुजारिश करूंगा कि टॉस उड़ाएं। कॉल यूटीका का है, हिट्स आया है, तो यहां टॉस जीता है महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। सचिन, टॉस आपने जीता है, क्या करना चाहेंगे पहले आप? फील्ड करेंगे हम लोग। फील्ड करना चाहेंगे, किस वजह से आपने ये फैसला लिया कि फील्ड करना है आपको? हमारे पास गेंदबाजी अच्छा है और उनको कम से कम रोकने की कोशिश करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, तो ये बताइए ग्यासुद्दीन जो इस बार फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो क्या टीम के लिए चिंता का विषय है? ये चिंता तो विषय है, अच्छे बैट्समैन है ग्यासुद्दीन और वो इंजर्ड भी है, आज खेल नहीं सकता ऐसा लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड में आके समझ में आएगा। तो इस बार क्या आपकी कम्प्लीट टीम है? हाँ सर। ओके, तो यूटीका के कैप्टन सूरज केने, आपने टॉस हारा है, अगर आप टॉस जीतते तो पहले क्या करते? फील्डिंग करते। फील्डिंग करते, मतलब इस ग्राउंड पर चेस करना आसान है, इस वजह से आप पहले फील्डिंग करते। तो ये बताइए अब आपको पहले बल्लेबाजी करना है, तो कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े स्कोर के लिए आपकी टीम को लेकर जाएंगे? मैं पूरी टीम से अपेक्षा करूंगा कि वो अच्छा खेले और अच्छा स्कोर बनाए। तो कितना स्कोर आप बनाना चाहेंगे कि एक अच्छा टोटल माना जाए फाइट के लिए महिंद्रा स्पोर्ट्स के सामने? 55-60 तक जाना चाहेंगे। 55-60। तो ये टॉस हुआ महिंद्रा स्पोर्ट और यूटीका के दरमियान, जहां महिंद्रा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स सिद्दीक भावे सर। तो दूसरा क्वार्टर फाइनल रहेगा महिंद्रा स्पोर्ट्स और यूटीका स्पोर्ट्स के बीच। टॉस जीता है महिंद्रा स्पोर्ट्स ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, और उसी बीच हम चलते हैं इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ। मैं सुहाब भाई से गुजारिश करूंगा आपको मुमताज भाई की इज्जत अफजाई करनी है। हमारे बीच में मुमताज भाई मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई सुहाब भाई के दस्त मुबारक से। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई आपका कि आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त दिया है। हमें पता है कि आपका वक्त बहुत ही कीमती है, लेकिन उसमें से भी थोड़ा सा वक्त आपने निकाला, अंजुमन ट्रॉफी को दिया, इसके लिए मैं अंजुमन की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं शहबाज शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में रफीक भाई मौजूद है, उनका इज्जत अफजाई होने जा रही है। बहुत बहुत
शुक्रिया रफीक भाई आपका। बिल्कुल रफीक भाई हमारे बीच में मौजूद है, जो कि इरफान शेख अंजुमन स्पोर्ट्स के जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, उनके वालिद साहब है। तो 69 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए एसपी के दोनों ही बल्लेबाज आतिश भामरे और उनका साथ देंगे सुनील पाटिल। पहला ओवर लेकर आते हुए अख्तर शेख, पहली गेंद स्विच स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर आतिश भामरे। अरबाज जब खेल शुरू हुआ था पहली गेंद का सामना किया था शेखर दलवी ने और बेहतरीन स्विच स्ट्रोक लगाया था और उसमें कामयाब हुए थे, लेकिन हम ये देख रहे आतिश भामरे स्विच स्ट्रोक लगाने जा रहे थे लेकिन लगा नहीं पाए। हवा उस सिमत की बह रही है, यही वजह है कि वो उस सिमत में खेलना चाह रहे थे और अख्तर की गेंद कटकर बाहर की जानिब निकलती है। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल दिया, वहां पर शेखर दलवी मौजूद है। एक रन से ही सहमत रहना पड़ेगा, तो इस एक रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए आतिश भामरे 69 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई इस वक्त एसपी दापोले। पहला क्वार्टर फाइनल हम देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी का, उसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल रहेगा युतिका स्पोर्ट्स और महिंद्रा स्पोर्ट्स के बीच, जहां पर महिंद्रा स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। उसके बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल रहेगा बी इंडियन और सोना देवी टेमगर के बीच, और चौथा पॉइनियर और समायरा स्पोर्ट्स पॉनियर स्पोर्ट्स और मैगी स्पोर्ट्स के बीच रहेगा। बार बेहतरीन स्ट्रोक देखने कवर की दिशा में फील्ड करते हुए शेखर दलवी इसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई 2 रन आए इस गेंद पर। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 4 रन पर। आज के दिन का लास्ट क्वार्टर फाइनल रहेगा पॉइनियर स्पोर्ट्स और मैगी स्पोर्ट्स के बीच, तो लगातार यहां पर हम देख रहे आतिश भामरे स्विच स्ट्रोक खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा था अरबाज आपने कि हवाएं भी उसी तरफ चल रही है, हवाएं का फायदा उठाना चाहते हैं यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज की तारीफ कर रहे होंगी, उस तरह की गेंद नहीं कर रहे वो। 5 रन पर पहुंचता हुआ स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर एसपी दापोड़े। इस ग्राउंड में दोपहर के बाद जब सपहर का वक्त होता है तो गेंद हवाएं जो है रुख बदल लेती है और बाएं हाथ के बल्लेबाजों को हाजी समझ से स्टैंड एंड की तरफ से खेलने में आसानी होती है। अख्तर शेख इस बार फुल टॉस गेंद, बिल्कुल एक बार फिर से सुनील पाटिल ने जता दिया कि वो क्यों डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी है, बिल्कुल उसी तरह की शैली में उन्होंने खेला।
तो एक बार फिर से चलते हैं इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ। मैं शकील भाई से गुजारिश करूं, हमारे बीच में समत सिद्दीकी साहब मौजूद है। तो ये शकील भाई इस वक्त इज्जत अफजाई करते हुए समत सिद्दीकी साहब की। खेल की शुरुआत होती हुई भावेश पार की ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। स्ट्राइक पर आए आतिश भामरे, इस साल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं वो। फुलर लेन की गेंद हवा में उठाकर खेल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक आसान कैच। आतिश भामरे की बारी समाप्त। निकल जाएंगे, बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं, हमें जिंदगी लूट सक। बार भावेश पवार बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ आतिश गुड़विंदी के बल्ले से और बेहतरीन फील्डिंग होती हुई डीप में। कुमार वहां पर मौजूद थे, दो रन आए इस गेंद पर, इस दो रन की मदद से स्कोर 14 रन पर पहुंचता हुआ। जी मजर खान कुछ इसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहते थे आतिश भामरे भी, लेकिन मिस टाइम रहे थे और कुमार के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की राह में गए। और इस बार बाहर निकलती हुई गेंद को लेट कट किया वहां पर आतिश गोडविंदे ने, एक रन आता हुआ इस गेंद पर। गणेश कुक से प्लीज भावेश पवार समय के मामले में आपको सहयोग करना, क्योंकि इसके बाद हमें 3 क्वार्टर फाइनल और खिलाने हैं। तो शॉट ऑफर्ड नहीं किया वहां पर बल्लेबाज ने, सुनील पाटिल मौजूद थे। और इस बार बहुत ज्यादा कटती हुई गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ पर हसन मोमिन का। इस एक रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 16 रन।
बार विकेटों के बीच में रखा था। जब तक विक्की मात्रे गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन। तो भावेश पवार जब से आए मानो रनों पे रोकथाम लगी है, बड़े हिट नहीं आ रहे, एक एक दो दो में ही रन बन रहे। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, अब बहुत दूर से आए थे हेमंत हरड, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे सुनील पाटिल, लेकिन एक रन से ही सहमत रहना पड़ेगा। तो दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर इस वक्त 18 रन। तो क्या कहेंगे अरबाज आपके, दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है और सिर्फ 18 रन एक विकेट के नुकसान पर, जो आस्किंग रन रेट है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ। जी हाँ, मैंडेटरी पावर प्ले में जहाँ 31 रन बनाए थे धनेश इलेवन ने और यहाँ पर एसपी दापोड़े ने सिर्फ 18 रन, तो मैंडेटरी पावर प्ले के कंपैरिजन में काफी पिछड़ते हुए यहाँ पर एसपी दापोड़े। तो क्या है संभल जाएंगे, कफस तोड़ कर हम निकल जाएंगे, बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं, हमें जिंदगी लूट सकती नहीं, कि ये दोस्ती टूट सकती नहीं, टूट सकती नहीं, ये है प्यार बरसों पुराना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। दो ओवरों की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 18 रन। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं हेमंत हरड, जबकि सामना करेंगे आतिश गोरविंदे। धनेश इलेवन, समय के मामले में सहयोग करना है, इसके बाद तीन बड़े मुकाबले और कराने हैं, प्लीज आप जैसी बड़ी टीम ही हमें सहयोग कर सकती है, समय का ख्याल रखें। हेमंत की अगेन कट कर बाहर जानी अपील हुई वहां पर और कोर्ट बिहाइंड हो गए आतिश गोरविंदे। आतिश गोरविंदे की पारी समाप्त। तो आतिश गोरविंदे की पारी भी अब समाप्त होती हुई, बाहर निकलती हुई गेंद को छेड़ना चाहते थे वहां पर, लेकिन खुद ही बाहर निकलते हुए, अब उनकी जगह लेने के लिए मयूर तरे। तो आउट होने से पहले चार गेंदों में चार रन बनाए आतिश गोरविंदे ने, नए आने वाले बल्लेबाज मयूर। हेमंत हरड मुड़ते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज मयूर के लिए। समय का ख्याल रखे धनेश इलेवन,
काफी ज्यादा टाइम लिया जा रहा हर गेंद के बाद। आप बड़ी टीम है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। फुल टॉस गेंद, लॉफ कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। अंपायर का इशारा ना अभी बाकी है 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला था मयूर तरे ने, बिल्कुल अपने अब इरादों को भी जाहिर करते हुए। और यहाँ से अब जरूरत भी है हर बार बड़े हिट लगाने की, क्योंकि जो आस्किंग रन रेट है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ। हेमंत थरड एक बार फिर से सामना करेंगे मयूर तरे का। एक मरतबा फिर ऑफ स्टंप को काफी ज्यादा बाहर छोड़ती हुई, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट, इस वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। फुल टॉस गेंद, उड़ता हुआ शॉट खेला है, गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया था मयूर तरे के बल्ले से। बिल्कुल अरबाज, अगर हम एसपी की बात करें तो एक ऐसी टीम है जो जल्दी मैच को छोड़ती नहीं है, और ये जता दिया मयूर तरे ने बेहतरीन बल्लेबाजी। इस चक्की की मदद से स्कोर 31 रन पर पहुंचता हुआ। इस बार छोर को बदला था अपने, राउंड द विकेट आए थे, अब जाकर फील्ड हुई, एक से ज्यादा कुछ नहीं, बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। हेमंत इस बार सुनील पाटिल के लिए। एक मरतबा फिर विकेटों के बीच में रखा था, ड्राइव किया उसे, 1 रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, अच्छा कॉल वहां मयूर का, 1 रन से संतुष्ट, बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। बिल्कुल अरबाज दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा कि जयेश पाटिल बहुत तेज गेंद की तरफ आ रहे, और बिल्कुल जयेश पाटिल का थ्रो जो रहता है सीधा स्टंप पे रहता है, दोनों खिलाड़ी ये जानते हुए इसीलिए उन्होंने दूसरा रन नहीं लिया। जयेश पाटिल चीते की तरह झपटते हैं गेंद पर। हेमंत मुड़ते हुए इस बार मयूर के लिए, उठाकर खेल दिया है, गेंद जाएगी काफी दूर मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। जब से बहरा है मैंने ये इश्क सहरा, खली पली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली पली हो गया है दिल।
बली हो गया है, दुनिया से मेरा घड़ी बली हो गया है। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है। मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा। तो तीन ओवर की समाप्ति पर 39 रन, 12 गेंदे बची है अरबाज, और यहाँ से जो रन चाहिए वो 30 है। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, मयूर तरे और सुनील पाटिल इस वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लंबे हिट भी लगा रहे साथ में। बिल्कुल, 4 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं इस वक्त मयूर तरे। खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू साहिबा मोमिन सर। चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी भी लगा गया सबसे तजुर्बेकार सीनियर गेंदबाज दीनू को। बिल्कुल, चौथा ओवर लेकर आते हुए दीनू भोईर, मैन ऑफ शेलार, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। काफी वक्त तक उन्होंने चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए और पावर शेलार के लिए खेला है, और अब धनी से स्पोर्ट्स को अच्छी शुरुआत देते हुए 12 गेंदे बची है अरबाज, और रन जो चाहिए 30। धनेश कुक से प्लीज समय के मामले में सहयोग करना है आपको। भावेश पवार, अख्तर शेख, विक्की मात्रे, दीनू सामना करेंगे बल्लेबाज सुनील पाटिल। मयूर इस वक्त 4 गेंदों पे 19 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 3 फलक शगाप छक्के लगा चुके हैं वो। तेज गेंद, नहीं समझ सके, रन लेना चाहते हैं, अपील और सुनील पाटिल की पारी समाप्त। नए आने वाले बल्लेबाज कुणाल, पिछली गेंद दीनू की काफी तेज तर्रार रही थी, शरीर से टकराने के बाद रन लेना चाहते थे और रन आउट हो गए वहां सुनील पाटिल। दीनू मुड़ते हुए इस बार कुणाल के लिए। उठाकर खेल दिया खिलाड़ी वहां मौजूद,
और एक आसान सा कैच पकड़ा हुआ कुमार ने और कुणाल की पारी भी समाप्त। बैक टू बैक दो विकेट गिरती हुई और कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर आती हुई स्पिता पड़े और अभी भी स्कोर थमा हुआ है 39 रन पर। अब 10 गेंदे बची और रन चाहिए 30। अगले बल्लेबाज आए चरण। दिनू की गेंद टप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा बाहर की जानिब कटी, वाइड का इशारा होता हुआ अंपायर की तरफ से, बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। माफ कीजिएगा 40 रन हुआ है। नए आने वाले बल्लेबाज चरण सामना करेंगे दिनू का। दिनू की फ्लाइट डिलीवरी उठाकर खेल दिया मिस्टर स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक आसान कैच हेमंत हरट का। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मलहारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावी। अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं जयेश पाटिल जूनियर, जबकि सामना करेंगे मयूर तरे। 35 ओवर रहा है इस मैच का, ये अभी तक एक रन दिया है वो भी वाइड के रूप में दिनू ने। फील्ड में परिवर्तन किया गया है, दिनू मुड़ते हुए इस बार मयूर तरे के लिए। दिनू की ये तेज तर्रार गेंद नहीं समझ सके, बेहतरीन थ्रो वहां पर भवेश बराबर का, रन आउट हो गए। ओ गड्डी लेके सड़क में एक मोड़ आया
तो मजहर खान इस ओवर की जितनी भी फेयर डिलीवरीज थी सब पे विकेटें आई हैं, दो पर रन आउट और दो पर कैच। क्या कहना है इस बारे में आपका? बिल्कुल अरबाज, जैसे कि हमने कहा था जब दिनू भर ओवर लेकर आए थे तो हमने पहले कहा था कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी, पूरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर झोंक दिया उन्होंने और हम देख रहे हैं कि अब तक सिर्फ एक रन उन्होंने दिया है, वो भी वाइड गेंद थी। और इस बार सामना करेंगे जीत पाटिल, देखना वो अपनी टीम को जीत दिला पाते हैं या नहीं। फ्लाइट डिलीवरी, घूम कर खेलना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए विकेटकीपर, कोई रन नहीं। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि राइट हैंड के बल्लेबाज को वो फ्लाइट डिलीवरी दे रहे हैं और बाहर की जानिब निकाल ले, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज को वो काफी तेज रख रहे हैं। यही कारण रहा था कि मयूर और सुनील पाटिल नहीं खेल पाए थे उनकी गेंदें। एक मरतबा फिर कट के बाहर की जानिब निकली और कॉट बिहाइंड हो गए, वहां जीत तो इसी के साथ अपने ओवर में सिर्फ एक रन खर्च किया और तीन सफलताएं हासिल की यहां दिनू ने अपने एक्सपीरियंस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए। दिनू टूट गया और तुझसे मिलते समय हल्के बजते बजते मेरा टिपोस टूट गया। तो आखिरी ओवर लेकर के आ रहे हैं अख्तर, नए आने वाले बल्लेबाज हिमांशु, जबकि सामना करेंगे जयेश पाटिल जूनियर। पिछला ओवर काफी बेहतरीन रहा था, अपने एक्सपीरियंस का भरपूर इस्तेमाल किया था, उस ओवर में कुल पांच विकेटें गिरी जिसमें दो रन आउट और तीन कैच आउट हुए थे। इस बीच अख्तर की एक गेंद ड्राइव कर दिया है कवर में, एक रन पूरा हुआ और एक ही से संतुष्ट, बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। तो पांच गेंद और 28 रन की दरकार है अरबाज। और हमने देखा था बाली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी एसपी दापोड़े को, और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में भी ऐसा ही लग रहा है। अख्तर मुड़ते हुए इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज हिमांशु के लिए, और इस बार सामना करेंगे हिमांशु। अख्तर की गेंद, गति में परिवर्तन, नहीं खेल पाए गेंदों के शरीर से टकराने के बाद डॉट के रूप में। तो आने वाली चार गेंदों में 28 रन चाहिए जीत के लिए। पूरी तरह से बैकफुट पे चली गई है यहां एसपी दापोड़े अख्तर। फुलर लेंथ की गेंद ऑफ टर्म से बाहर, कोई इशारा नहीं, डॉट के रूप में, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अब तीन गेंदे 28 रन। फुल टॉस गेंद खेल दिया उसे स्क्वायर लेग की तरफ, अब जाकर फील्ड हुई, एक से ज्यादा कुछ नहीं, बढ़ता हुआ स्कोर 42, आने वाली दो गेंदों में 27 रन जीत के लिए चाहिए।
अख्तर छोर को बदला है लेफ्ट नाम ओवर द विकेट जयेश पाटिल जूनियर के लिए। पटकी हुई गेंद कंट्रोलफुल स्ट्रोक खेला है, एक से ज्यादा कुछ नहीं, बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं इस मैच में, एक गेंद और 26 रन। क्या कहना है मजहर खान आपका इस मैच के ताल्लुक से? बिल्कुल, पहले हमने देखा जो एसपी के गेंदबाज उन्होंने निराश किया और अब बल्लेबाज। यॉर्कर गेंद अपने फॉलो बैक में पकड़ा उसे अख्तर शेख ने और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है गणेश 11 कुकसे ने और पहली टीम बनी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। बिल्कुल, अंजुमन ट्रॉफी 2018 की पहली टीम बनी गणेश कुकसे सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई। महेंद्र स्पोर्ट्स, आपको तुरंत फील्ड से जानी है क्योंकि तीन मुकाबले अभी भी बाकी है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है वो खिलाड़ी जिन्होंने एक बार फिर से जता दिया कि वो क्यों ओल्ड इज गोल्ड है। दुनी बोर मैन ऑफ द मैच के लिए आना है आपको। एक ओवर किए तीन विकेट लिए, कुल मिलाकर उनके ओवर में 5 विकेट गिरी थी। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच है दीनू भोईर, बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने और मैं गुजारिश करूंगा नवीद भाई से विक्रम टी देना आपको। और उसके बाद मैं स्वाब भाई से गुजारिश करूंगा आपको गिफ्ट एम्पायर देना है। और मैं मुमताज भाई से गुजारिश करूंगा आपको ये ट्रॉफी देना है अंजुमन की देन। उसके बाद समत सिद्दीकी साहब हमारे बीच में मौजूद है, अयुब भाई की मिठाई। और अमजद भाई से मैं गुजारिश करूंगा सिद्रा का सिद्रा रेस्टोरेंट का ये कूपन देना आपको। हसन अंसारी हमारे बीच में मौजूद है, आरआर एजुकेशन का सर्टिफिकेट। मैं रफीक शेख साहब से गुजारिश करूंगा ये गिफ्ट एम्पायर देना है, इरफान के वालिद साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। महेंद्र स्पोर्ट्स, आपको फील्ड सजानी है। तो जितनी भी टीमें अब क्वार्टर फाइनल खेलने जा रही है प्लीज आप लोगों से इस बात की गुजारिश है कि समय के मामले में सहयोग करें क्योंकि अभी भी 3 मैचेस बाकी है और सभी के सभी मुकाबले 5-5 ओवर के हैं।